स्टूडेंट, आज हम अपने सेवन चैप्टर को और आगे बढ़ेंगे। ये हमारी कौन सी वीडियो होगी? वीडियो सिक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि आखिर सॉइल की जो प्रोफाइल, जो पर्टिकुलर लेयर जो होता है, उसमें किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है और आखिर हम कैसे उसको पता लगा पाते हैं कि ये किस लेयर का सॉइल है, ठीक है। तो इफ वी डिग डाउन, डिग मतलब होता है खोदना, ठीक है। डिग डाउन स्ट्रेट इन टू द सॉइल, वी कैन सी द डिफरेंट लेयर इन द सॉइल, ठीक है। टिपिकली फोर डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर कैन बी सी, ठीक है। क्या होता है जब हम कोई मिट्टी, अगर मान लो कि स्ट्रेट हम किसी गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, गड्ढा खोद रहे हैं हम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर हमें सॉइल का दिख सकता है अगर हम खोदें उसको, ठीक है। तो कितने मेन में फोर चार तरीके के लेयर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि उनका कलर, साइज ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होता है, साइज ऑफ पार्टिकल अलग अलग होता है, इसकी वजह से हम उसको डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं कि आखिर वो एक लेयर से दूसरा लेयर कैसे डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कलर भी चेंज आ जाता होगा, कहीं ना कहीं साइज ऑफ पार्टिकल के साइज में चेंज आ जाता है इस वजह से, ठीक है। दीज लेयर आर रिफर टू एज हॉरिजन्स, और इसी लेयर को हम किस नाम से पुकारते हैं? हॉरिजन्स के नाम से, हॉरिजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हॉरिजन के नाम से जानते हैं, अ वर्टिकल सेक्शन दैट शोज द डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल व्हेन वी कट स्ट्रेट डाउन इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम सॉइल है, ठीक है, उसको कट करते चलते हैं, ठीक है। लेयर ऑफ सॉइल व्हेन वी कट स्ट्रेट डाउन, ठीक है, अब निकालते चले जाएँ तो कॉल जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल प्रोफाइल खिलाता है, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे हम ए ऑरिजिन के बारे में, जोन ए, ठीक है। ये सबसे ऊपरी लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर होता है, जहाँ पे पौधे उगते हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। ए ऑरिजिन में होता है ये, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ए ऑरिजिन, दिस लेयर इज सॉफ्ट पॉरस एंड होल्ड इन अ वाटर, पॉरस मैंने बोला जो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, पॉरस कहलाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी, क्या जितना मतलब कि हो सकता है उतना पानी ये अपने में एब्जॉर्ब होल्ड करके रखता है। एज इट कंटेन्स लॉट ऑफ ह्यूमस, अच्छा ह्यूमस कंटेन होने का एक रीज़न है क्यों, क्योंकि ये ऊपरी मोस्ट लेयर है, और ऊपरी मोस्ट लेयर की वजह से क्या होता है, मान लो कि कोई पेड़ पौधे टूटे हैं वो इसी मिट्टी में रहते हैं, वो भी गायब मिट्टी में मिल जाते हैं सड़ गल कर, या कोई एनिमल या कोई भी जानवर है या कुछ भी है, ठीक है, बर्ड्स वगैरह कुछ है जो अगर डेड करके ज़मीन पे यहीं पे गिरते हैं और वो फिर इसी मिट्टी में मिल जाते, तो तभी ए ऑरिजिन वाले लेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, उसके नीचे नहीं, क्योंकि वो ऊपरी लेयर में ही उनका जो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक मैटर है मिला हुआ होता है। इट इज़ डार्केस्ट ऑफ ऑल द लेयर, ये सबसे डार्केस्ट लेयर होता है ऊपर वाला। इट मे कंटेन मच ऑर्गेनिक मैटर सच इज डिकेड प्लांट लीव्स ट्विंग एनिमल्स रिमेन्स एज वेल एज क्ले सैंड ग्रेन्स। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मैंने आपको बताया ह्यूमस की वजह से इसमें डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट जो वेस्ट होता है वो सारा आपको इस मिट्टी में ही होता है, इसकी वजह से ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं बी ऑरिजिन में, ठीक है, जोन बी कहलाता है, द लेयर बिलो द ए ऑरिजिन। अब ए ऑरिजिन के नीचे क्या आ जाता है, बी ऑरिजिन आ जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं सब सॉइल, उसका दूसरा नाम क्या है, सब सॉइल, ठीक है। और बी ऑरिजिन, इट मच लाइटर इन कलर एंड इज कॉम्पैक्ट, इट वॉज लेस ह्यूमस बट इज रिच इन सॉल्युबल मिनरल एंड आयरन ऑक्साइड। अच्छा क्या होता है, ये थोड़ा सा लाइट इन कलर होता है, मैंने आपको बोला सबसे डार्क कलर में ऊपर वाला सॉइल होता है, ठीक है, टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल है, वो थोड़ा लाइट इन कलर होता है, ठीक है। इट इज़ लेस इन ह्यूमस, थोड़ा सा कम इसमें ह्यूमस, जितना अपर मोस्ट लेयर में ह्यूमस है उससे कम लेयर ह्यूमस इस सॉइल में मिलता है, ठीक है। और बट रिच इन सॉल्युबल मिनरल इन आयरन ऑक्साइड, बट इसमें ना क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है इस वाले टॉप सॉइल में, ठीक है, क्योंकि ऊपर ह्यूमस होता है और नीचे जो हमारे, आपको पता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो आयरन ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, सॉल्युबल मिनरल्स आयरन ऑक्साइड्स वगैरह, वो ज़्यादा इस मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। इट हैज़ वेरी लिटिल ह्यूमस एंड सो इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, रूट्स ऑफ सर्टेन टॉल ट्रीज में रीच अप टू दिस लेयर, ठीक है। क्या होता है, इसी ज़्यादा ह्यूमस तो नहीं होता, इसी वजह से इस सॉइल में, यानी कि सब सॉइल में हम ये प्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ प्लांट जिनके रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं वो सब सॉइल तक उनके रूट पहुँच जाते हैं, सब सॉइल तक उनके रूट पहुँचे हुए रहते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें फैली हुई होती हैं। आगे है सी ऑरिजिन, ठीक है, जोन सी, इट इज़ अ लोएस्ट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल एंड लेस बेंथ द सब सॉइल, इट इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड रॉक्स, इट कंटेन नो ऑर्गेनिक मैटर, हाउएवर मिनरल्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में भी यही है, ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी नहीं है, डेड एंड डिकेइंग कुछ भी नहीं है, पर
पर रॉक एंड पार्टिकल्स मिनरल्स वगैरह इसमें पाया जाता है, स्टोन्स वगैरह इसमें होता है, ये ज़्यादातर स्टोन वगैरह से ही पाया जाता है, स्टोन वगैरह मोटे मोटे। आप जब अगर आप डिग कर रहे हैं किसी भी ज़मीन को, ठीक है, अर्थ को, तो आप सब सॉइल के बाद ऐसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे मोटे मोटे पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, पत्थर होंगे, ठीक है, रॉक्स वगैरह दिखना शुरू कर जाता है मिट्टी के साथ, यानी कि मिट्टी भी होगा, सॉइल भी होगा, पर थोड़े से जो मोटे मोटे जो रॉक्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें विद सॉइल। ओके, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो डेड एंड डिकेइंग है वो इतने नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते सॉइल फॉर्मेशन में, वो ऊपर ही रह जाते हैं इसी वजह से। तो मिनरल्स, बट दूसरे जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे पाए जा सकते हैं। अब आ जाता है लास्ट है बेड रॉक, ठीक है, बियॉन्ड सी ऑरिजिन इज द पेरेंट रॉक बेड रॉक, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड डी ऑरिजिन, इट हैज़ नो ऑर्गेनिक मैटर बट हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल, इट इज़ नॉन पोरस एंड रेन वाटर गैदर अबव इट टू फॉर्म द वाटर टेबल। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने वाटर टेबल अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा होगा, जब मिट्टी जो पानी है वो रिश्ते रिश्ते यहीं पर ही इकट्ठा होते हैं बेड रॉक साइड में, क्यों, क्योंकि इसके नीचे जाने की जगह नहीं होती, यहीं पर पानी हमारे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बेड रॉक। अब इधर ऑर्गेनिक मैटर कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा नहीं क्योंकि वो ऊपर ही रह जाते हैं, क्योंकि जो भी हम कोई चीज़ अगर मर गया है डेड करके वो ऊपर ही मिल जाती है मिट्टी में, नीचे तक जा नहीं पाती, पर नीचे जो है बेड रॉक में उसमें काफ़ी मिनरल्स, ठीक है, तो बेड रॉक में मिल जाएगा, तो बेड रॉक में ज़्यादातर मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। इसके आगे है अब कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉइल, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे क्या क्या मिट्टी में क्या क्या है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास होगी, इस तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह रिवीजन करेंगे और ये जो सॉइल प्रोफाइल की जो पिक है, जो डायग्राम है, वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है।